दोस्तों नमस्कार। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि स्पेशल डिश, तो ये जो आप देख रहे हो इसमें, जिसको हम ग्राइंडर में डाल रखे हैं और इसको पीसने जा रहे हैं, तो ये है चना दाल, इसमें अदरक और हरी मिर्च, और हम बनाएंगे नारियल की चटनी। तो ये है नारियल आप देख रहे हो, तो इसको हम ये चाकू जो आप देख रहे हो, चाकू की मदद से हमने पहले इसमें हल्का सा छेद किया था, और इसके सारे जो पानी है इस ग्लास में थोड़ा ही सा पानी निकला था दोस्तों, तो इसको हमने इसमें निकाल लिया। तो चलिए अब हम इसके जो ऊपर का ये जो छिलका है, ये जो लेयर आप देख रहे हो हार्ड सा, इसको हम निकालते हैं। पहले इसको तोड़कर इसको हटाएंगे, इसके बाद जो अंदर जो हमारा नारियल है इसको हम इसमें डालकर फिर इसको अच्छे से ग्राइंड करेंगे और इसको पीसेंगे। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं इसको, पहले इसका ऊपर का ये जो हार्ड सा सेल है इसको हटा लेते हैं। तो गाइज़ ये देखिए, हमने इस तरीके से ये जो नारियल है बिल्कुल इसके छिलके हटा लिए, छिलके ये रहे, तो आप नारियल के छिलके हटा दें तो सेल हमारे सारे ये हो गए और जो नारियल है ये प्रॉपर यहाँ निकल चुका है। तो चलिए अब हम इसकी चटनी बनाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको ग्राइंडर में डाल के मिक्सी में इसको अच्छे से पीसते हैं और इसके ऊपर हम ढक्कन लगा लेते हैं। नहीं चल रहा। दोस्तों ये देखिए इस तरीके से ये पीस रहा है, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। देखिए इस तरीके से बिल्कुल दरदरा सा हो गया है, तो चलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं। दाल नहीं पीस रहेगा। तो दोस्तों ये देखिए हमारा बिल्कुल इस तरीके से पीस चुका है, तो चलिए अब हम इसमें तड़का लगाते हैं, फिर आपको हम दिखाते हैं तड़का लगाते हुए। तो दोस्तों हमने करछुल में थोड़ा सा ये जो राई है, इस राई को डालकर इसको हल्का सा गर्म करते हैं, और फिर इसमें जो कढ़ी पत्ता है, कढ़ी पत्ता को भी ऐड कर देंगे। और चलिए अब हम इसमें थोड़ा सा जो ऑयल है, आप घी भी डाल सकते हो, हम यहाँ पर तेल डालेंगे। जब अच्छे से पक जाए दोस्तों, तो फिर हमारा जो ये पिसा हुआ है इसमें हम ऐड कर देंगे। और दोस्तों अपने स्वाद अनुसार आप नमक को ऐड कर ले। और ये देखिए दोस्तों, हमारा चटनी, नारियल का चटनी बिल्कुल बनके तैयार है, और अब हम इसको परोस कर खा सकते हैं। तो चलिए आप इस तरीके से बनाएं नारियल की चटनी, बहुत ही आसान तरीका है बिना कोई झंझट का। और आपको कैसा लगा हमारा वीडियो ज़रूर बताएं कमेंट करके। तो आज के लिए इतना ही, चैनल पर नया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। गुड बाय।